राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं सीटेट क्वालिफाई अनीश कुमार सिंह। प्राथमिक शिक्षक के किस पद पे आप हैं? कोषाध्यक्ष हैं। अनीश कुमार सिंह बड़े संघर्षशील युवा माने जाते हैं। सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब बीएड आप कर लेते हैं उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा इस परीक्षा को आयोजित किया जाता है और इस परीक्षा में 400,000 लोग शामिल होते हैं, 10% लोगों का रिजल्ट होता है। बहुत मजबूत और बहुत कड़ी परीक्षा ली जाती है सीटेट का। सीटेट देश का जाना माना CBSE के द्वारा संचालित किया जाने वाला परीक्षा है। इसके क्वालिफाई करने के बाद शिक्षक बच्चे बनते हैं। हमारे साथ अनीश कुमार सिंह मौजूद हैं, जो इनके कल पटना के डाक बंगला चौराहा पर सुशासन बाबू की पुलिस ने बर्बर तरीके से पिटाई की। आरोप यह है ये लोग नौकरी मांग रहे हैं पिछले 3 सालों से। 12 दिन पहले, मात्र 12 दिन के कारण इन लोगों की छटनी हो गई थी। ये लोग ज्वाइन एक उस जॉब में नहीं जा सके थे। ये अनीश कुमार सिंह, हम अनीश से जानते हैं कि कल कैसी घटना हुई। अनीश बाबू आप बताइए। हम लोग सर 3 साल से सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जो 7वां चरण प्राथमिक विभक्ति को मांग कर रहे थे और हमारी एक ही मांग थी, नोटिफिकेशन प्रीशेड्यूल अतिशीघ्र जारी हो जाए। उसके लिए हम लोग डाक बंगला चौराहा पे शांति प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने कायरतापूर्ण हरकत करते हुए हमें घसीटा, बाल पकड़ के घसीटा, मारा। 12 पुलिसकर्मी मिलकर अकेले हमको मारे, 12 पुलिसकर्मी। हम लोग आतंकवादी थे, नक्सली थे या माओवादी थे, ये सवाल उन सरकार से पूछना चाहिए। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी थे, नौकरी मांगने आए थे, 20 लाख नौकरी का रोजगार करते हैं। हमको डाक बंगला चौराहा पर घसीट के कल रोजगार दिया गया है सर। आप अपने सहयोगी रामाशंकर जी को बोलेंगे कि रामाशंकर जी दिखाइए कि अनीश कुमार सिंह को कैसे मारा गया है। यह शिक्षक हैं, इनके पढ़ाए बच्चे IAS करेंगे, इनके पढ़ाए बच्चे देश में मुकाम हासिल करेंगे। यह BEd कर सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया है इन्होंने और लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर। इनको 1 महीना पहले इनके साथ सरकार के द्वारा जब धरना प्रदर्शन इन लोगों ने किया था तो सरकार की तरफ से कहा गया कि निश्चित रूप से 25 जुलाई को कहा गया कि अब आप अपने धरना को बंद कीजिए, आपकी नियुक्ति होगी। सरकार बदल गई, मात्र 24 घंटे के अंदर सरकार बदल जाती है, मंत्रिमंडल गठित हो जाता है, विश्वास मत आप हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये शिक्षक जो हमारे देश के भावी शिक्षक हैं और अनेकों IAS IPS ये लोग जन्म देंगे, पढ़ाएंगे, जो इनके बच्चे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, क्वालिफाई बच्चे हैं, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट को इन्होंने पास किया है। अनीश सिंह, आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से क्या अपील करना चाहते हैं? सर, हम तेजस्वी यादव जी से अपील करना चाहेंगे, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं। नीतीश कुमार पर साफ साफ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का भरोसा नहीं है, सीटेट क्वालिफाई है। नीतीश कुमार पर इन लोगों को 0% भरोसा नहीं है। बताइए तेजस्वी से क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी यादव से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं। हमारे 12 करोड़ जनसंख्या के उप मुख्यमंत्री है और वो जब से सत्ता में आए हैं 12 दिन पहले से हमारी उम्मीदें बढ़ गई है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कि हमारे जो नियुक्ति होने वाली है 7वां चरण की प्राथमिक विभक्ति, हमें जल्द से जल्द दे दे और हम पे कृपा बस। हम लोग गरीब छात्र हैं सर, हमारे पास ये चोट लगने का इलाज कराने का पैसा नहीं है। गरीबों का हम लोग 100-100 रुपया, 50-50 रुपया फंड इकट्ठा करके रात दिन यहाँ मेहनत कर रहे हैं 21 दिन से कि आंदोलन जो भी होता है सर, ये हमारा लोकतंत्र अधिकार है, वो भी छीना गया है। पटना में धारा 140 लगी है सर, 4 से 5 जगहों पर कि हम प्रदर्शन ना कर पाए। 1000 अभ्यर्थी पर केस हुआ है, 28 अभ्यर्थी घायल हुए हैं, एक का पैर टूटा है, एक का दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, हमारा यहाँ माइनर फ्रैक्चर हुआ है, कंधे में डायरेक्ट डंट आया है, सेल्फ डिफेंस में आया नहीं तो डंट सर पे मेरे आने वाला था, ऐसे किए यहाँ लगा। तो इस पुलिस को बता देते हैं कि नपुंसक वाला काम की है। नपुंसक वाला चाहते तो हम लोग भी वार कर सकते थे, लेकिन हमने एक अनुशासन का परिचय दिया और शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अनुशासन हम लोग सुनाया, बचपन से अनुशासन ही सीखे हैं, विद्यालय में भी और विद्यालय में जाएंगे तभी भी अपने अनुसार। हम लोग की संख्या 10,000 के ऊपर थी, पुलिस के अभ्यर्थी की पुलिस कितने थे, मान मुश्किल से 50, चाहते तो 50 लोगों को हम लोग खदेड़ नहीं सकते थे, बैरिकेडिंग गिरा के आगे नहीं बढ़ सकते थे, लेकिन हमने कानून हाथ में नहीं लिया और वहाँ बैठे रहे। कहे कि हमको कानून हाथ में लेने नहीं आता है, आगे अगर आज हम कानून हाथ में लेंगे तो किस चीज़ का शिक्षक बनेंगे हम। और एक तेजस्वी यादव जी से अपील करना चाहते हैं, हमें मौका दीजिए, 6 महीना का मौका दीजिए हमारी ज्वाइनिंग करके। 6 महीना अगर हम आपको ब्रांड बिहार स्कूल में नहीं बना के दिखाएं, हमें तनख्वाह मत दीजिएगा, नौकरी से निकाल दीजिएगा, हमें समय दीजिए, एक बार कार्य करने का समय दीजिए। हमसे पैसा नहीं, आपसे रोजगार मांग रहे हैं, एक दीजिए हमको, जो भविष्य के गरीब बच्चे हैं उनको एक भविष्य सुधारने का हम लोग मौका देना चाहते हैं। हम लोग वेल एजुकेटेड हैं सर, MSc मैथमेटिक्स किया हूँ मैं सर, MSc मैथमेटिक्स, उसमें डिस्टेंशन मार्क्स से पास हूँ, 76% है सर, फिर भी हम लोग रोड पे खा रहे हैं सर। आप सुन रहे थे MSc मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अनीश कुमार सिंह, जो कोषाध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक के और संघ के,
और सीटेट क्वालिफाई हैं, सेंट्रल एबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई हैं, इनका साफ मानना है तेजस्वी यादव से कि 6 महीने तक आप वेतन मत दीजिए, हम लोगों की नियुक्ति करिए, ब्रांड बिहार बनाकर आपको गिफ्ट करेंगे। और अनीश कुमार सिंह और प्राथमिक शिक्षक संघ के छात्रों का निश्चित रूप से नीतीश कुमार से भरोसा उठ चुका है। हमारे सहयोगी रमाशंकर के साथ कौशलेंद्र, पटना गर्दनीबाग से।